सो हेलो गाइस, इट्स डे टू और मैं पहुंच चुका हूँ उज्जैन। अभी सुबह 8 बजे आ गया था मैं उज्जैन और चलते हैं दर्शन करने। फाइनली रेडी हो चुके हैं आगे और निकलते हैं क्योंकि देर भी हो रही है और टाइम हो रहा है, 8 o'clock के ऊपर हो चुका है। सो लेट हो जाएगा। एंड वेलकम वंस अगेन टू माय न्यू व्लॉग वीडियो एंड आई होप आप सब अच्छे हो गए एंड लेट्स गो। गाइस फाइनली ना पूरा कॉरिडोर बन गया, जैसे वाराणसी का बना सेम एज इट इज़ मिनिमम यहाँ का भी बन गया है। सो चलते हैं, मैं आप लोगों को ना दर्शन करवा देता हूँ डिजिटली। मैं ना पहले 2 बार आ चुका हूँ तो भी ऐसा नहीं था, इतना मतलब इतना नहीं बना था, इतना चीज़ें नहीं थी। अभी तो सबसे मोदी जी ने काम किया, बहुत ज़्यादा ही सब चीज़ें बना दी है और यार कॉरिडोर बनाया है, एक मस्त बना एकदम। तो चलते हैं ऊपर, बिकॉज ऑफ मोबाइल यूज़ करना नहीं मिलेगा। सो मैं आके फिर आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा क्या लगा। देन बाय बाय। सो गाइस फाइनली कर चुके दर्शन। ये था मंदिर जो आप पीछे देख रहे हो मेरे बैक साइड को, ये वाला। सो ये था टेम्पल और अभी निकलते बाहर, जस्ट जहाँ पे हमने लगेज और सामान रखा हुआ था वो लेते हैं, जहाँ पे मतलब बाइक पार्क करी थी वहाँ से जाते हैं। पहले कुछ खाते बिकॉज भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने और सत्यम ने। सो चलते खाते देन फिर निकलते आगे की ओर। देन लेट्स गो। दर्शन करके मज़ा आया बट अंदर नहीं जाने देते, यहाँ पे पहले से ही बुक कराना पड़ता है। जो सुबह की भी आरती होती भस्म आरती, उसके लिए भी पहले से बुक कराना पड़ता है, बट हम लोग टाइम पे नहीं थे, लेट थे। बिकॉज ना जब मैं मुंबई से निकला ना गाइस, तो भिवंडी पूरा मेरा 4 से 5 घंटा से मेरा ट्रैफिक खा गया। सो ये सीन हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। देन निकलते हैं, सब पार्सल बताया इसको पैक वैक कर पैक करवाते देते हैं वहाँ पे, देन फिर चलते हैं। पोहा मंगाया था सत्यम ने, आलू के पराठे मंगाए थे। सो खाते हैं और देन फिर यहाँ से निकलते हैं, बिकॉज मम्मी का भी फोन आया, मैंने टाइम देखा 11 आवर का कुछ राइड और दिखा रहा है अभी, जिस जगह में 600 समथिंग कुछ किलोमीटर है, वो मैं जब राइड करूँगा तब मैं आप लोगों को कन्फर्म कर दूँगा। सो निशन करके मतलब बाबा के पहले भी आया था, तब कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं था, मैं बहुत टाइम पहले आया था, 2 बार आ चुका हूँ, पर अभी दर्शन हुए मस्त एकदम। मंदिर के पास नहीं जाने देते, उसका नहीं बोल सकता मैं कुछ भी, लेकिन मज़ा आ रहा है गाइस। फाइनली हो चुके हैं मस्त, तुम रेडी कर चुका, दर्शन भी कर लिया, मस्त दर्शन हुए, भीड़ भी नहीं थी इतनी, लेकिन मंदिर जो बनाया है ना प्यारा सा, मज़ा आ गई। सो अब डायरेक्ट निकलते हैं कानपुर को, 680 किलोमीटर समथिंग है, रन तो दिखा रहा है 11 घंटे का कुछ समथिंग ऐसा है, बट अपने को कवर जल्दी करने क्योंकि कानपुर पहुंचना है टाइम से। सो चलते हैं, लेट्स गो। बाइक में सब लगेज डालते हैं, पैक करते हैं, देन फिर निकलते हैं यहाँ से। गाइस हो चुके हैं रेडी, पहले बाइक को करता हूँ कोड स्टार्ट, फिर लगेज बांधते हैं पूरा, फिर अपन निकलते हैं। होल्ड स्टार्ट कर दी थी मैंने, ये हो गया। कल थे यहाँ से, हाँ हो गया रेडी।
बम बोले हुआ। रिकॉर्डिंग हो रही है कानपुर है 580 समथिंग और झांसी है 350 समथिंग अप्रॉक्सीमेट। तो इसको ना भैया टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, सो चलते हैं पहले लाइट सही कराते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। गुना में है, झांसी इज ऑल अबाउट 255 किलोमीटर गाइस। देन अभी तो गुना में यहाँ से 255 किलोमीटर है। चलते पूरे फेस की ना बैंड बज गई है, सो चलते हैं। साथ कि मैं खड़ा हुआ और खड़े करते ना बाइक गिर गई, तो मेरी एक ये वाली लाइट नहीं जल रही जिसको मैंने कल ही इंस्टॉल कराया था, और ये हल्का सा ब्रेक पे डेंट आया है। तो चलते हैं निकलते हैं, बिकॉज पहले झांसी पहुंचना है, कुछ खाना है, बहुत तेज़ भूख लग रही है। हाल देख रहा क्या हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट कब। चलो भैया, थैंक यू भाई भाई उठाने के लिए। सो गाइस फाइनली झांसी क्रॉस कर चुके थे, अभी जस्ट टाइम हो रहा है 6:53, मतलब 6:30 के अप्रोक्स झांसी आ गए थे। फिर उसके बाद उरई, अभी यहाँ से 110 बचा है उरई। देन कानपुर टोटल बचा है 232 के अप्रोक्स, ऐसा ही कुछ बचा है कानपुर भी। सो चलते हैं अभी, जैसे हमारा एक और फ्यूल अप था। फ्यूल अप हमारे कितने हो गए सत्यम, कितने बार डेढ़ लगा चुके होंगे? 7-8 टाइम ये फ्यूल अप हुआ है हमारा फुल।
और मुंबई में था 106, एमपी में सबसे महंगा मिला 109 का, और यूपी के एंटर करते हुए मिल रहा है हम लोग को 96 रुपीज़ का पेट्रोल। यूपी सस्ता है यार पेट्रोल। सो चलते हैं अभी कहीं ढाबे में रुकते हैं और खाना खाते यार फिर निकलते हैं, बिकॉज बहुत भूख लग रही है अब, तो चलते हैं। सो गाइस फाइनली खा चुके हैं खाना और अब डायरेक्ट निकलते हैं कानपुर को। अभी तो 198 किलोमीटर बचा है कानपुर, देन निकलते हैं 2 hours। अभी तो दिखा रहा है गूगल मैप 11:54 का टाइमिंग, सो होप कि उससे पहले पहुँचते 11 बजे तक। सो अच्छा रहेगा, जल्दी कवर अप करते हैं एंड चलते हैं और मिलते हैं, बिकॉज कल मॉर्निंग में वाराणसी को निकलना है अपने को। बाय बाय। फाइनली कर चुका हूँ मैं एंटर कानपुर देहात के, मतलब कि जो 12 जोड़ का टोल था वो क्रॉस कर चुका हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया के पास आ चुका हूँ, बस रनिया पहुँचने ही वाला हूँ कुछ टाइम पे, देन फिर कानपुर और सुबह बनारस। पर जो पेन हो रहा है ना अभी पैर और छोड़ रहा है, एक नींद में ले गया ना, बिकॉज मैं सुबह कल 2 घंटे सोए होंगे फिर उज्जैन। मैंने सुबह 10 बजे 10:30 गाड़ी चलानी चालू करी थी और अभी भी 10:30 हो रहा है, स्टिल मैंने ड्राइव कराया या तो 5 या 6 स्टॉप लेंगे, वही 5-5 मिनट के 6-6 मिनट के बस वही लिया है, इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं लिया। फिर एक जगह अभी इधर आके जहाँ से क्रॉस किया था खाना खाया, दैन फिर लाया मैंने ऑन सब गाड़ी अभी तक कानपुर। तो चलते हैं यहाँ से और निकलते हैं, बाकी आगे मिलते हैं भाई। फाइनली पहुंच चुका था घर में, अभी जस्ट पहुंचा हो 11:45 पे बस घर पहुंचा हो और बाइक वाइक पार्क कर दिया है, अब जस्ट जाते सोने बिकॉज बहुत नींद आ रही है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना, माना इस ब्लॉग में गलतियाँ होंगी, कट टू कट सीन्स बहुत होंगे बिकॉज ऑफ शूट की वजह से, मेरा माइक का केबल टूट गया था, तो करते हैं चलते हैं, बाकी कल के लिए बनारस का ट्रिप रेडी करते हैं।